पहला ट्रेनिंग सेशन हम कर रहे हैं आज विच विल बी ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोग्रामिंग. सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम CHI कॉग्निटिव हेल्थ केयर इंटरनेशनल, क्योंकि अहमद साहब की कंपनी है, अहमद साहब पाकिस्तान में इसको हेड करते हैं. बाकी कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो टॉय साइकिल्स हैं, जो अहमद साहब को जानते हैं, उनकी कंपनी वाले ऑलरेडी जानते हैं. मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. अहमद साहब का मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन अ वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड एनवायरनमेंट्स. इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड. बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए इस ट्रेनिंग सेशन के लिए. थैंक यू सो मच सर, और ओवर टू यू. बैकग्राउंड मेरी इलेक्ट्रिकल है, न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम वो सब चीज़ें पड़ी, मगर समहाउ आई लाइक प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग 31 साल का मेरा, कोई 36 साल का पहले मैंने मेरा प्रोग्राम लिखा था और तब से मुझे पसंद आ गया प्रोग्राम. एंड हमारे प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर इस तरह पॉपुलर नहीं था, तो आई वॉन्टेड टू डू सॉफ्टवेयर वगैरह वाला मन में डिग्री नहीं मिल. एनी वे तो ज़्यादातर मेरी सेल्फ लर्निंग है, आप ये कह सकते हैं. डोंट हैव एनी फॉर्मल, तो बाकी कोर्सेज वोसेज लेके और ये किसी तरह की एक्सपीरियंस है. मगर मैंने कंप्यूटर्स को बिल्कुल ही पुराने ज़माने, आप लोगों को जिस देख के आप कहते होंगे यार ये बड़ी पुरानी चीज़ है, उससे पहले इतनी बड़ी डिस्क होती थी, उससे पहले इतनी बड़ी डिस्क होती थी, उससे पहले वो 5 कार्ड होते थे, सिंगल लाइन ऑफ प्रोग्राम के लिए एक कार्ड होता था. यूनिवर्सिटी में हमारे हमने वो ही प्रोग्रामिंग की है. आई हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग. और प्रोग्रामिंग में स्टार्टेड ऑफ विद बेसिक कोबॉल, फोरट्रान, फिर सी असेंबली, फिर VLSI असेंबली, फिर मॉडर्न दौर आ गया. तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत यानी सारी वेब टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड, iOS वो सबसे मेरा किसी ना किसी लेवल पे प्रोग्रामिंग करता. तो मैंने कुछ रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग अपने लिए समराइज किए हैं और मैं उन्हीं पे लोगों को गेज भी कर रहा हूँ कि यार ये बंदा ठीक काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है. मतलब प्रॉब्ली दिस इज नॉट टेक्स्ट बुक नॉलेज, मगर मेरे ख्याल में मेरे अंदाजे काफ़ी गलत होते हैं. यानी बंदा जैसी बातें कर रहा होता है उनका सिर्फ मुझे अंदाजा हो जाता है ये तो नहीं कर सकेगा, या ये 4 गुना टाइम लेगा या 10 गुना टाइम लेगा. तो आई हैव सम रूल्स ऑफ प्रोग्राम. द फर्स्ट वन और जो थीम है एक्चुअली, इट इज डिवाइड एंड कॉन्कर. आपको जब भी प्रॉब्लम आए आपने किसी तरीके से उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना. टेक एनी एग्जांपल रेंजिंग फ्रॉम डिजाइनिंग, अगर आपको एक वेब पेज डिजाइन के लिए मिलता है तो आप उसको छोटे से होते हो. अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलता है इम्प्लीमेंट क्रीम, आप उसको छोटे से होते हो. यानी और तोड़ते हुए ये क्रीम है, क्रीम में आप कहेंगे अच्छा इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. 4 चीज़ें चाहिए, बल्कि इससे भी पहले एक थोड़ा सा ये मैं I have a few learning rules. Learning rules में आप किसी भी नॉलेज को देखने लगते हैं, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो 4 नुकतों की तरफ फोकस होना चाहिए. कौन से 4 नुकते हैं जो मुझे पता लग गए तो मुझे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा. 4 इज जस्ट अ नंबर, पर वो कभी 6 हो जाएंगे, कभी 8 हो जाएंगे, नॉर्मली 12 से ज़्यादा मेरा तजर्बा कभी नहीं होता. आप किसी किताब को भी उठा लें तो आपको उसमें 12 से ज़्यादा चैप्टर कम मिलेंगे. अगर 12 से ज़्यादा हो गया तो उन्होंने सेक्शन कर दिए होंगे. अब आप किसी सेक्शन में जाएंगे तो आपको 12 से चैप्टर में जाएंगे तो 12 से ज़्यादा सेक्शन ही मिलेंगे. उसके सब सेक्शन होंगे वो भी 3-4 होंगे. तो दिमाग में आपने चीज़ों को हायरार्की में भी अंडरस्टैंड करें. अमूमन सवाल आया, कोई सवाल पूछने गया साइन क्या होता है, तो कई लोग तो कहते हैं अच्छा होता, कोई कहेगा वो पढ़ा था कि आप इस वक्त मुझसे क्या पूछ रहे हैं.
अगर आपने दिमाग में चीजों को हायरार्की में नहीं रखा हुआ तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल बड़ा मुश्किल है। हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट लाइन है जिसमें हम नॉलेज करते जा रहे हैं। अब हमें रैंडम एक्सेस चाहिए तो हमारा दिमाग एक फलानी चीज की रेशो प्रोपोर्शन, ये तो क्लास सिक्स में पढ़ा था, मतलब मुझे आप लोगों से पढ़े हुए ज्यादा देर हो गई है, मगर आप मुझसे अभी लाए गए तो मैंने बोला अच्छा जी ये कौन सी 12 क्लासेस की थी, मैं छठी क्लास का सवाल, छठी क्लास में 6 चैप्टर थे, उसमें किस चैप्टर का सवाल है, रेशो प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन। एनीवे तो एक और नुकता है सीखने में, कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं, जब भी कोई चीज नहीं आती है तो हमेशा मुश्किल आती है, तो उसके लिए मेरा सुन है इफ यू कीप लुकिंग एट इट लॉन्ग इनफ इट विल बिकम फैमिलियर। आप उसे देखें, अगले दिन देखें, शाम को देखें, सुबह देखें, दो जगह से पढ़े, आजकल तो इंटरनेट के मौजे हैं, आप तीन जगह से देखेंगे आपको पता लगेगा ये भी कोई बात कर रहा है, ये भी कोई बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे, मगर मैं इसको 5 दफा देखूं, जब वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं सूरज इधर से निकलता है, इधर से निकलता है, आखिर में हम कहते हैं सूरज निकल इधर से, अब उसे समझ बेशक नहीं है कि जनाब सूरज घूम रहा है या क्या हो रहा है, बस वो चीज़ों को देखते रहे तो चीज़ें समझ आ जाती है। इसी तरह जब मैंने कहा कि चार नुकते कौन कौन से हैं, आप प्रोग्रामिंग उठा लें, सादी प्रोग्रामिंग को उठा लें, तो मेरे हिसाब से चार नुकते जिसको समझ आ रही है प्रोग्रामिंग समझ आ, कि इनपुट कैसे, क्या चीज़ है, इनपुट कैसे देते हैं, कंप्यूटर आउटपुट कैसे देता है, लूप कैसे लगता है और इफ कैसे लगाता है, इन चार से दुनिया के तकरीबन कॉम्प्लेक्स थ्री प्रोग्राम बन सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ प्रोग्रामिंग, आपका हो सकता है इनपुट के लिए उसका बटन और लेबल हो, आउटपुट के लिए लेबल हो, मतलब इनपुट के लिए इनपुट बॉक्स और बटन हो, यानी जो चीज़ आपसे इनपुट पे जा रही है कुछ आउटपुट आ रही है, यानी बेसिक प्रोग्रामिंग आपको ध्यान से समझ आएगी, उसका एक लेवल आगे जाएगी तो 5वां चैप्टर आएगा प्रोग्रामिंग का, आफ्टर इनपुट आउटपुट वो फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह जब आप मे बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाते हैं तो उसमें भी 2-3 नुकते आपको समझ आ गए तो सारी चीज़ समझ आ गई, अच्छा क्लास हो गया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन, इसी तरह अगर आप पाइथन देखने सीखने लगेंगे और आपको ये पहले दो नुकते आते हैं तो डज नॉट मैटर कि आप पाइथन सीख कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, एक्स वाई जेड लैंग्वेज कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बैरियर टू एंट्री मिनिमल हो गया, यानी आपने सोचना इस तरह है कि जनाब वही नॉलेज, और फिर नॉलेज को मैप करना, यानी ये नहीं कि मैंने तो जावा सीखी है आपको मैंने पाइथन करनी है तो अच्छा ठीक, मैंने तो हर एक में वेरिएबल है, क्योंकि कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वेरिएबल नहीं है, कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर इफ नहीं है, कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें फंक्शन नहीं है, कोई ऐसी लैंग्वेज है, आजकल तो हर लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आ गया, तो जो भी आपके टूल्स भी है, जो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं भी यूज़ करना तो उसके बगैर भी आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं, और उसमें आप यही तलाश होती है, इसमें ये चार काम मैंने, यानी मैंने जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो मैं यही देखता हूँ ये चार नुकते मैंने फॉलो कर लिए, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करें, उसके बाद मैंने दो नंबर की एडिशन कर दी है ताकि दो नंबर इनपुट कर सकूँ, एक फंक्शन कॉल सकूँ और आउटपुट कर सकूँ, यानी हर चीज़ को इस तरीके से सोच रहे, मतलब ये और फॉर एग्जाम्पल और हर ये कहने का कहना, अगर मैं कहूँ कि मतलब हर एक अंदर चार नुकते हैं तो अच्छी चार नुकते हैं, उस चार नुकते के हर नुकते के नीचे चार नुकते हैं, मगर वो इम्पॉर्टेंट ये है कि चीज़ों को हायरार्की में आप स्टोर कर सकें ताकि रिट्रीवर आसान, आप कहेंगे अच्छा जी इवन ब्रांचेज ऑफ नॉलेज दे रही हैं आप, मतलब साइंस है, रिलीजन है, फलाना फलाना, 12 से ज़्यादा कोई बंदा भी क्लास में नहीं ले पा सकेगा, रिलीजन है तो रिलीजन भी चार इंपॉर्टेंट हो गए, साइंस है तो साइंस भी आप सब पूछो तो कहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, इससे अगली साइंस भी आ गई, 12 तक पहुँचते पहुँचते बड़े जोर लगेगा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो एक चीज़ के हर चीज़ हायरार्की में, दरख्त की एक
आप है उसके आगे तीन चार शाखें निकलेंगे, उसके आगे ब्रांचेज निकलनी है, आखिर तक नाम ही चला जाता है। अच्छा जी, तो जब आपने को कोई चीज मिली है तो आपने उसको किसी तरीके से हायर आपके मिले कि प्रोजेक्ट मिला तो आपके कौन से चार इस केस से? मैं कहूँगा अच्छा जी मोबाइल ऐप्स हैं, बैकएंड है, फ्रंट है, और मोबाइल ऐप्स दो तरह की हैं, मेरी एंड्रॉयड और वो है, वो चार होते हैं। आप ये अच्छा जी सिस्टम इंटरेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा जी और आजकल तो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि जनाब ये आजकल ये छापे खाने लगे हुए हैं, तो फॉर मी ऑल वेब एप्लीकेशन आर वन एप्लीकेशन, और वही लॉजिक लगना है, वही एपी बननी है, वही इंटरफेसिंग होनी है, कोई उसके अंदर कोई नई चीज़ किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, जो लोग स्पीड है। अच्छा जी, जब आपने फिर चीज़ों को सोचना है तो आपने डब्बों की फॉर्म में सोचना है, पर डब्बों में तारे जोड़ दिए कि अच्छा ये कम्युनिकेशन कैसे होगी, इसके अंदर मोड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जेसन है या डायरेक्ट हार्ड डिस्क से रीड है, और ये जब आपने डिवाइड करना है किस लेवल तक डिवाइड करना है, यानी सब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने एक सर्टेन लेवल तक डिवाइड करना है, तब उसके बाद उसने ग्रुप लीड लेवल पर जाकर उसे स्पिन ऑफ करना है कि यार इस वक्त मुझे लॉग इन फंक्शनैलिटी चाहिए, अब तू जान तेरा काम, ठीक है ना। उसने फिर उसे लेके आगे दौड़ पड़ा, तो रिले रेस होती ना, एक बंदे ने अपना काम करते उसने अगले, उसने आगे इसको 400 में तोड़ दिया, हद तक कि वो डेवलपर तक चला जाएगा, फिर डेवलपर ने उसे 400 में तोड़ दिया। यानी मेरा थंब रूल ये है कि डिवाइड इट इनटू स्मॉल एनफ पार्ट्स व्हिच यू कैन डू इन 15 मिनट्स। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा आप क्या कर रहे हैं और दिन में आपकी क्या प्रॉब्लम। This is my most, there is one thing you can take away from the lecture, that is the 15 minute. यानी अगर मैं आपसे आपके पूछता हूँ कि आप इसमें क्या कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू डिफाइन कि अगले 15 मिनट में क्या कर, चाहे आप कहें कि मैं फंक्शन का सिग्नेचर लिख रहा हूँ जिसको दो मैं पैरामीटर में पास करूँगा और एक डेटा, यानी वो आपने अपने कैलिबर के हिसाब से डिफाइन करना है कि वॉट इज 15 मिनट्स फॉर यू। चलो 15 मिनट जितना मैं 4 कहा और 12 तक जाने की जरूरत है, तो 15 मिनट कहा आधे घंटे 40 मिनट तक जा सकते, मगर घंटों में चली गई तो फिर मैं उसको नहीं समझता कि यू हैव थॉट अबाउट इट। इसका क्या फायदा है, दिन में 15 मिनट आपके पास कितने हैं, कुछ कितने गिरे नहीं जाएंगे अभी पड़ा। इसका मतलब यह है उनमें से अगर आपने 20% भी अचीव कर लिए तो वो ठीक ठाक था, सही है। यानी मैं खुद भी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ घड़ी की तरफ और देखता हूँ अगला 15 मिनट का मेरा टास्क है, वो लेजर फोकस, जिसको मैं ये भी कहता हूँ कि इस वक्त का शेयर क्या है। आपको असाइनमेंट मिली है तो एक मेजर काम है जो आपने अचीव करना है और फोकस उस वक्त होना चाहिए, उस वक्त कोई दिल की गिलियाँ भी नजर आएंगी, फलानी चीज नजर आती है या तो ये भी ठीक होने वाला है, अगर आपने या फिर उस वक्त रुक जाना अपना नया टारगेट डिफाइन करना, अगर कोई मजबूरी हो गई या वो कोड किसी वजह से चलना रुक गया, अगर आप कहेंगे इस वक्त ये नहीं किया जा तो स्टॉप, दोबारा घड़ी की तरफ देखें और कहेंगे कि अगले 15 मिनट में हमें ये प्रॉब्लम, नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इफ यू कैन गेट अ टास्क डन इन 15 मिनट्स व्हिच यू हैव डिफाइंड, then there is solution. यानी इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपने अपना टास्क डिफाइन, जो भी टास्क मसलन कोई यू आई डिज़ाइनर हो, डेवलपर हो गया, कोई बैकएंड डेवलपर हो गया, अगर यू आई मुझे करने को मिलता है तो मैं कहूँगा अच्छा ये क्या चीज़ है, सबसे बाहर मुझे उसका एक रेक्टेंगल नजर आता है, वो पूरी स्क्रीन भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द स्क्रीन भी हो सकता है, कितने यू आई डेवलपर्स हैं, लेजर लाइंस 1, 2, 3, 4, 5 वो खड़ा करे, चाहे वो एंड्रॉइड का है, आई ओ एस का है, वेब का है, ठीक है ना, एक मुनासिब बंदे हैं। तो जब भी आता है तो एक डब्बा ही मिलता है ना, उसकी बाउंड्री होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता,
क्योंकि बहुत रेयर होगा कि आपको कहा जाए कि बाउंड्री ऐसी बना। जब एक रेक्टेंगल मिलेगा तो यदि मैं उसको एनालाइज करूँगा, मैं कहूँ ये तो मेरा फीचर क्लास है, मैं कहूँगा जब इसके अंदर फिर रेक्टेंगुलर पार्टीशन हो, मे बी उसके सेक्शन हो गए, मे बी डायरेक्टली इसके अंदर फील्ड लिखी होगी, मे बी उसके अंदर एक जगह पे टेबल होगा, एक जगह पे सेल्फ बॉक्स होगा, एक जगह पे। तो सबसे पहले यानी आपने बाहर से अंदर की तरफ इसके किया, यानी हायरार्की क्या बाहर का डब्बा उसके अंदर अंदर आते थे। और अगर आपने बाहर से अंदर की तरफ बाहर को मैं कहूँगा बाउंड्री घर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने बाउंड्री लगा ली, आपके कहें अगले 15 मिनट में मैंने बाउंड्री लगा, फिर कहेंगे अच्छा अब इसकी आगे काम क्या करूँ, अगले 15 मिनट में मुझे इसके ये दो सेक्शन नजर आते हैं, मैंने एक का कलर ब्लू का लेना है, एक का येलो का लेना है, अच्छा अब इसके अंदर मुझे अब और क्या देखने की जरूरत है, अच्छा वेब पे होगा, वेब पे तो स्क्रीन साइज डिफरेंट हो सकती है, अब इसका मतलब है मैंने अगले 15 मिनट में स्क्रीन साइजेस के हिसाब से उसको सेट करना, मोबाइल पे हूँ तो अच्छा मोबाइल स्क्रीन साइज डिफरेंट, अच्छा मोबाइल पे हूँ तो इसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट भी होता है, यानी सोचना इस तरीके से, पता क्या होगा आप उसमें चीज़ देख लेंगे, जिस तरह की फोटो आपको मिली आप है उस तरह की बना के पेश करते, जैसे ही मैं उसे लैंडस्केप पर करूँगा वो कोई चीज़ उधर से थी कोई चीज़ उधर से थी, मैं वीडियो को ब्राउजर को जरा से इधर उधर करूँगा, आप कहेंगे सर आपने तो ये तस्वीर नहीं थी, मतलब बहुत है, मतलब मेरे हिसाब ने यानी जो लेक्चर देने के मकासद हैं ये कॉमन प्रॉब्लम्स बाय प्रोग्रामर्स भी बता रहे हैं, और वो उसको भी बता रहे हैं कि जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका बॉस खुश होगा, जैसे ही उसने वो यूँ किया उसने सही साइज चीज़ें, जैसे उसने ब्राउजर को रिसाइज किया वो, यानी जैसे ही अगर वेब डेवलपर हूँ मैं तो मैं जैसे ही मुझे डिज़ाइन मिलता है मैं सबसे पहले तो देखूँगा इसको क्या है और फिर देखूँगा ये फेलियर की तरह, यानी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज व्हेनेवर यू गेट अ प्रॉब्लम आप देखेंगे इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा, सबसे पहले वो एड्रेस का, अगर वो ए पी कॉल आपको नहीं करना आता उसके अंदर वो चैलेंज है, अगर उसके अंदर कोई ग्राफिक ऐसा कंपोनेंट बना हुआ है जिसमें घड़ी चलती आपने दिखानी है जिसको आपको नहीं पता नहीं कैसे दिखानी है सुइयां कैसे चलती हैं, तो फिर मैं उधर फोकस करूँ कि मेरा फेलियर किधर आ गया, और फेलियर आ गया तो उसका उसमें अगर मैंने एक सर्कल लगा के उसमें अपनी मर्जी से जगह लाइन लगा ली तो मैं कहूँगा ये आपका आगे होगा, यानी पहले फेलियर को भी एक्सेस कर। इस तरीके से देखें कि जब ये प्रोग्राम डिवेलपर डिवेलप हो के किसी भी एंड यूजर की बात करता है वो प्रोग्राम का मतलब इतना सी प्रोग्राम है व्यू है, यानी वो इसी तरीके से सारी चीज़ें बनी होगी तो सारी चीज़ें खुद खुद ठीक चल रही, क्योंकि ऊपर वाले ने सही सोचा कि ये दो हिस्से इन दो ये दो ठीक चलेगा तो मेरा भी ठीक चलेगा, उस अगले ने उसके चार हिस्से उसने कहा ये चार अगर ठीक चलेगा तो मेरा ठीक चलेगा, और अगर फ्लैट तरीके से प्लानिंग शुरू कर दी तो फिर वो समझ ही नहीं गया कि कितने केसेज हैं कौन कौन सा, इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होती चली जाएगी और फोकस भी बढ़ता जाएगा, आप बड़ा क्लियर डिफाइन करेंगे कि इस वक्त क्या काम है। If you are spending time on fixing bug you did not write the code, अगर आपने कोड लिखा है मेरा थंब रूल आपने ये है कि मुझे 10 मिनट में अपना बग फिक्स करना चाहिए, अभी पिछले दिनों मेरे साथ में लोगों ने प्रोग्रामिंग की है बग ले आओ मेरे कोड में अब तो ग्रेडी है बग अगर 12 मिनट एक घंटा तक हो सकता है मगर बग खुदाना खासा आ भी गया तो 10 मिनट में फिक्स करो, ठीक है, यानी अगर आप हायरार्की में डेवलपमेंट की है तो हायरार्की में क्या मतलब है आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छा इसके मेजर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स कौन से हैं, ये चार पार्ट मतलब इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ लॉजिक की लिख रहा हूँ तो मैं उसको कहूँगा इसके अंदर ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं, ये चार लाइन होनी चाहिए, ये चार ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिर कहूँगा अच्छा इस ऑब्जेक्ट में क्या रिस्पॉन्स है इसके ये चार, और अगर मुझे कोई कहेगा कि जगह सर बाबा मेरा खुद ही दिमाग जाएगा ये फलाने जगह होगा उधर जाके ये भी पता लग जाएगा, यानी माहिर डॉक्टर क्या होता है, माहिर डॉक्टर आता है मरीज वॉकिंग करता है वो देखता है अच्छा ये अच्छा भाई तो मेरे ख्याल में फलाना से ठीक है, अगर उसे शक पड़ता है तो कहते हैं जा यार लैब को फलाना टेस्ट करा, उसके बाद वो इलिमिनेशन काफ़ी होता है कि ये कैंसर का पेशेंट नहीं है ये फलानी चीज़ का पेशेंट नहीं है
मुझे शायद एक तीन बेसिक एक्सपेरिमेंट्स का रूल था, तो वो सिर्फ दो तीन टेस्ट करवाएगा और पहुंच जाएगा कि इसको मर्ज किया, तो वैसे क्या हम प्रोग्राम्स के डॉक्टर, यानी यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है आप उसके डॉक्टर, आपको उसकी शक्ल देख के पता लग जाना चाहिए कि इस मरीज में मर्ज किया। यानी मैंने प्रोग्राम नहीं भी लिखा होता तो मैं देख के मतलब आपको भी कि यार ये स्क्रोल के वक्त इशू आया या ये कॉल इस वक्त ये भी कॉल ही होगी जिसकी वजह से बैठ गया, यानी उधर से आप कह सकते हैं ये फलानी तरफ प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हैं यार मुझे इस वक्त दिखाओ जरा ब्राउजर में F12 करके या F11 करके कि किधर डाटा बहुत ज़्यादा गया, रिस्पॉन्स में डाटा ज़्यादा जा रहा है या कोई और डिले का मसला। तो दो तीन मतलब बहुत थोड़ी तशखीस के बाद पता क्या है, ये मरीज चला गया डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा एडमिट करा, एडमिट करा हम तू जरा बायोप्सी भी करा कर पेट भी खोल के देखूंगा, फिर तो ना होगा। यानी आपने ओवरऑल ही ये देखना है कि मर्ज क्या है, ठीक है, और आप अपना कोड है तो आपको ठग से बताना चाहिए बाकी यहाँ ये मैंने देख लिया मुझे समझ आ गया। और वो जो 15-10 मिनट लगते हैं वो सिर्फ उस फाइल को खोलते हुए वहां तक पहुंचने के लिए लगते हैं। कोड शुड बी रिटन इन इंग्लिश, यानी जब आपने इस तरह हायरार्की में लिखा हुआ है, यानी इसका एक आध और भी नुकता बता दूं, शायद वो नीचे लिखा हुआ है कि ऊपर से आपने डिवाइड किया फाइल में, फाइल को जब क्लासेज में फंक्शन है और हर फंक्शन स्क्रीन हाइट से बड़ा नहीं होना चाहिए, उस फंक्शन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये दो इनपुट लेगा, ये दो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा बटन, और जो ऊपर से यानी डिवेलप आप नीचे से भी करते जा सकते हैं और ऊपर से भी करते जा सकते हैं, यानी ये नीचे से तो ज्यादातर आपको समझ आएगा कि बटन या एक छोटी सी फंक्शनैलिटी बनानी है तो कैसे कर रहा है, आप ऊपर से डिवेलप करते हुए कैसे आ सकते हैं। यदि कोई अभी प्रोग्राम बना नहीं है, अभी क्रीम बना नहीं है, मगर मैं कहता हूँ कि क्रीम को बनाना है मगर पहले दिन ही क्रीम चलता हुआ बनाना, तो सर मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूँ उस केस में, यानी उसमें मैं कहूँगा अच्छा कि एक ऐप बना दो, या अगर थोड़ा सा छोटे केस में मैं कहता हूँ मैंने एक गेम बना दिया जिसमें स्पेसशिप्स भी हैं, 12 spaceships हो गए शुरू में, 3 दुश्मन हो गए, फलाना फलाना, तो इस केस में मैं कैसे प्रोग्राम को पहले ही करती हूँ, मैं एक स्पेसिफिक क्लास लूँगा 4 नंबर बने जिसमें कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई एम स्पेस, एक लिखूंगा जनाब अपोनेंट और मेन में लिखूंगा न्यू स्पेस, वो कहेगा स्पेस आई एम स्पेस, एक और लिखूंगा न्यू स्पेस, अभी फंक्शनलिटी कोई नहीं है मगर एक हायरार्की बननी शुरू होगी, आपको पता है। फिर हम ये सोचेंगे स्पेसशिप के ऊपर फायर किया जा सकता है और कौन फायर कर सकता है, मे बी एलियन फायर कर सकता है, तो आप कहेंगे एलियन डॉट स्पेसशिप फायर, मतलब एलियन डॉट फायर ब्रैकेट स्पेसशिप, और वहाँ फंक्शन में लिखा है प्रिंट आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर के फायर कर, इसका मतलब आपकी चीज़ें सिस्टम आपस में कनेक्टेड चल रहे हैं और आप फायर आर्मी में सोच रहे हैं, यानी और ये भी फॉर एग्जाम्पल ये भी एक बुनियाद खड़ी करनी है, तो ये 15 मिनट में कि जिसमें ये 2-3 क्लासेस चल रही होंगी और प्रोग्राम लिखना शुरू करके सबसे पहले हेलो वर्ल्ड नजर आया ये चीज़ बाकी चल रही है, मेरा कंपाइलेशन एनवायरमेंट सेट है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इफ योर कोड डज नॉट लुक लाइक इंग्लिश थिंक, मैं किसी का कोड देखूँ एकदम कोई झलक मारूंगा ना, अगर वो अंग्रेजी में नहीं नजर आ रहा तो मैं कहूँगा क्या किया हुआ है, नहीं उसको क्या लिखा, अगर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक फंक्शन स्क्रीन हाइट से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो जिस तरह दरख्त उगता है तो पहले यहाँ भी लकड़ी है, यहाँ भी लकड़ी है, शाखों में लकड़ी, आखिर में पत्ते, तो एक मेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो फाइनल चीज़ है वो पत्ते हैं, इसी तरह जो फंक्शन टूटा हुआ है वो पहले फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन है, जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आखिर लीफ फंक्शन है जिसके अंदर एक्चुअल फंक्शन है, तो यहाँ तो ये जो दरमियाना फंक्शन है उनमें ज़्यादातर ये नज़र आना चाहिए
ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, हर फंक्शन में नजर आएगा तुम्हें ये इनपुट मिलेगी, तुम्हें ये आउटपुट मिलेगी। तो इसको मैं कहता हूँ दिस इज द कोड रिटन इन इंग्लिश, उसमें मुझे कोई कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा कोड ही बता रहा है कि ये इनपुट जा रही है, देख के पढ़ समझ आ रही है। वरना क्या होता है, लोग हजार लाइन का फंक्शन लिखते हैं, जो बंदा हजार लाइन का फंक्शन लिख देता है वो फिर काम नहीं पा सकता, वो 15 मिनट 10 मिनट बाद ही नहीं पा सकता। जो जिसने फंक्शन ही छोटे छोटे लिखे उसे पता है बाकी तरह फंक्शन, वरना क्या है वो भी फंक्शन इतना बड़ा है, वो भी फंक्शन, यानी नॉर्मली हम फंक्शन तब बनाते हैं जब वो फंक्शन ऐसी चीज दो दफा यूज करेंगे, फिर कहते हैं चूंकि ये फंक्शन लड़ी दो दफा यूज हो रही है इसीलिए इसको रोक। मैं कहता हूँ वो कोड को समझने मुश्किल हो गया, मैं कोड यहाँ से देखना शुरू करूँगा वो इंडेंटेशन हुई है ये पता नहीं वो उस फंक्शन की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोड इज ऑलवेज वर्किंग, कोड शुड ऑलवेज बी वर्किंग। जैसे मैंने कहा ना, पहला प्रोग्राम लिखे ही तो साथ ही जाए, ये नहीं कि सर मैं लिख रहा हूँ बस सारा कोड लिख दिया अब बस सिर्फ चलाना है। मैंने कहा ना कोई जब बंदा जैसे साथ बोलेगा मैं तो उधर होना चल गया, और फिर मैं अगले हफ्ते पूछा ठीक है जी। कोड शुड बी ऑलवेज बी वर्किंग, यानी गेट का इस्तेमाल करें। मैं जैसे ही प्रोग्राम प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ सबसे मैं कहता हूँ गेट इन गेट, मैं रिमांड लेट में चलता हूँ दूसरे काम में इस्तेमाल करता हूँ, मतलब वो उसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप जिस तरह आपको कम्फर्टेबल है। तो हर 15 मिनट पर एक फंक्शनैलिटी होगी, मुझे पता है ये मैंने कदम ले स्ट्रैटेजी मुझे पता है मैंने क्या किस तरह तय कर और जो मैंने काम कर लिया कर लिया, अब इसको रिवर्स गेट लगा ली। हाँ इस दौरान करते करते फिर बग आ गया तो आई डोंट बग, मैं कहता हूँ गेट रिसेट आउट, 15 मिनट का टाइम जाएगा, अगर मैं इसमें बग देखने लगा तो मेरे 15 मिनट से ज़्यादा 20-25 मिनट भी ला सकता और 15 मिनट में मैं एक और दोबारा देख सकता, ज़्यादा तो उसको साइड पे कॉपी किया उसमें कुछ दोबारा देखा कि यार थोड़ा सा तेज दिख गया तो वो एक दफ़ा जो जितने इतने सारे 15-15 मिनट हैं उनमें से 1-15 मिनट जाएगा सर। टेस्ट प्रीवियस फंक्शनैलिटीज आर यू डेवलपिंग वंस, यानी आपने बेसिक तो नहीं कोई वो फायर भी करती है कोई वो दबाव भी होती है, आपने फायर करने का तो ठीक कर लिया उसके बाद दबाव करने के जब किया तो टेस्ट ही करते गए आगे चलते गए जब इंटीग्रेटेड चलाया तो आप कोई वो गिर रहा है कोई वो गिर रहा है कोई वो गिर रहा है, आप कहते हैं क्यों टेस्ट कर दे जब रिपोर्ट कर देगा तो मैं जब कोई बंदा इस तरह भी अगर बात बोलेगा तो मैं कहूँगा बंदे ने कोड ही गलत है ना, बंदा के भाग गया 10 मिनट सॉल्व करना ठीक है। गुड कोड इज मैजिकल, जब आपने इस तरह कोड तोड़ के लिखा होगा ना तो उसके अंदर एक इनहेरेंट जादू आ गया, आपको कोई चलते फिरते कह यार ये फंक्शनैलिटी ना आपके दिन में एकदम आएगा मैं याद ये जोड़ूंगा ये करूँगा ये सही है। और कई बार ऐसा सरप्राइज होता होता है कि मतलब वो प्लान नहीं की होती फंक्शनैलिटी मगर वो बाय डिफॉल्ट ही वो ठीक काम कर रहा है, यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी या फिर आप दो लाइनें लिखते हैं और वो फंक्शनैलिटी आ रही है, मतलब आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली अप्रिशिएट। और कई बार वो थोड़ा सा बता रहा होता है कि थोड़ा सा कोड गलत लिखा होता है, यहाँ ज्यादा लंबा फंक्शन किया था या दो फंक्शन तो वो के आपको मजबूर करेगा कि यहाँ दो फंक्शन का। और कई बार वो कहेगा ये यहाँ इस तरीके से कई बार आपको नजर आएगी जो स्पेक्स मुझे दी गई थी ना उनमें कमी है, तो उसमें आप फिर अपने बॉस तक जाके कह सकते हैं और खुद अगर बॉस है तो खुद ही वो स्पेक्स थोड़ी सी मॉडिफाई करके अकोमोडेट कर सकते हैं। कोड लिखते हुए आपने हर वक्त ये सोचना है कि टेस्ट कैसे करना, यानी वो तो मैंने तो कहा पहले 10 मिनट से कोड चलता हूँ, यानी अगर आपने कोई व्यू बनाने का कहा है तो सबसे पहले एक डब्बा बनाया उसे चला के देखिए ये उसी कनेक्शन का है इसे रिस्पॉन्सिव है मोबाइल स्क्रीन के लिहाज से ठीक है वेब के लिहाज से ठीक है 15 मिनट का खासा वो उसके बाद आपने आपको उसे छेड़ने की जरूरत नहीं, वरना क्या आप इटरेट करते हैं
मेहनत भी कर रहे हैं, घंटे पे घंटे भी लगा रहे हैं और थक रहे हैं सारा दिन बैठ। जो अगर सही तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं करेगा तो प्रोग्रामिंग टेक्स इट्स टोल, मतलब एक बंदे पे परेशान बिता में बिठा दो और कहो के एक टांग से भागो तो वो तो परेशान ही रहेगा, या एक टांग से चलो दो टांगे तो भूल जा। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो आप कहाँ फंस रहे हैं। अगर आप थक रहे हैं तो इसका मतलब देर समथिंग हो, इसका मतलब जेब में क्लैरिटी है, जेब में कन्फ्यूजन है, वो आपके जेब में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो आपका तो बस कोशिश है किसी तरीके से 5-6 बजे तो मैं निकलूंगा, बल्कि 2 बजे से 6 बजे का इंतजार शुरू। और अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में है, फूड आप कहते हैं अगर मैं 10 मिनट बैठूंगा तो ये फंक्शनलिटी भी हो जाएगी, तो फिर आपका वहां से कहेंगे हरे यार उठना पड़ेगा। अच्छा जी, गुड कोड ऑल्सो सजेस्ट इट इज स्ट्रक्चर, यानी अगर आपने परफेक्ट होने के पहले बहुत जरूरी है, जैसे जैसे आपको फिर आपने हायरार्की बनानी शुरू की, एक जगह पर जाकर थोड़ी रेजिस्टेंस शुरू, फिर आप देखें मेरा जो स्ट्रेटजी थी वो ठीक थी या गलत थी। प्रोग्रामिंग इज फॉर नॉट अ पेन, इफ इन पेन इफ यू आर इन पेन देन समथिंग। अगर आप कह रहे हैं हाय सर सुबह से लेके 8-8 घंटे प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा यार ये प्रोग्रामिंग क्यों हजी कर रहे हैं। ठीक है, यानी हो सकता है आपको मेरी बातें बिल्कुल गलत लगे, मतलब मैं अपनी कंपनी वालों को तो ये कह सकता हूँ, मैं दूसरी कंपनी वालों को मैं ये मशवरा, मगर मेरे साथ जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है शायद उन्हें अंदाजा कि यार प्रोग्रामिंग कैन बी फन, मतलब आई डोंट कंसिडर प्रोग्रामिंग कि ये कोई जॉब है, मतलब मुझे प्रोग्रामिंग का चांस कम मिलता है, टाइम बहुत कम मिलता है, मगर जब मिलता है एंजॉय कि यार चीज़ें फुल कंट्रोल में, कस्टमर के साथ डील करना हमने तो कुछ कहना है कुछ कहना है कुछ कहना है, प्रोग्रामर प्रोग्राम के तो जो मैंने कंप्यूटर को कहना है उसको वो करना है। हाँ ये ना तो पता है दूसरे तरीके से लिखा हुआ प्रोग्राम। ठीक है जी, आर्किटेक्चर शुड बी हायरार्की, बॉटम अप भी हो सकता है मगर डाउन एक्चुअली बेटर, कि आपको पता होगा ये बाहर से चीज़ होगी, अगर आप अंदर का बटन पहले बना लेंगे तो ज़्यादातर मुश्किल होगी, यानी मैं नॉर्मली बाहर से शुरू करूँगा, अंदर से भी शुरू किया जा सकता है, बॉटम अप भी जा सकता है। हाई लेवल फंक्शनैलिटीज होगी टू डिटेल लेवल्स, टॉप डाउन बेटर। एक और असूल है डोंट हैव, जब आप कोड लिखेंगे तो बात आएगा, कोड नहीं लिखेंगे तो बात नहीं है, कितने फ्री करते हैं। ठीक है, अगर आप कोड लिख रहे हैं और ठका ठक लिख रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा। ठीक है, ये बहुत साथ वाले लोगों को होता है ना, पेपर में बैठे हैं अभी आपने 20 मिनट नहीं गुजरे तो पता लगता है शीट सर वो पता नहीं है, मुझसे तो अभी नंबर मेरी ज्यादा थे, मेरे को शीटों में शीटें बड़ी असल मामूली चीज़ दिखती है, अभी जो काम की बात है टीचर ने वो देखनी है, तो कंप्यूटर ने भी काम की बात देखनी है, आपने लिखा क्या, आप लिखते जा रहे हैं केसेस पर केसेस डालते जा रहे हैं, अब वो केसेस की टेस्ट तो सोचिए जरा, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड हो रहा है तो सोचिए थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, आप इस वक्त यहाँ बैठे स्पेस शटल नहीं बना। ठीक है, दूसरा ये कि एक हमें मतलब एक अनफॉर्चुनेट मतलब दिस इज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट, हमारे स्टैंडर्ड जीरो, मतलब आप पाकिस्तानी फुटबॉलर को बुलाती फुटबॉल से कंपेयर किए कभी, फर्क तो बताना सबको, पाकिस्तानी जिमनास्ट को बुलाती जिमनास्ट से कंपेयर किया कभी, पाकिस्तान में जो खुद हम F-16 बनाएंगे उसको अमरीकी F-16 से कंपेयर किया कभी, इज देयर एनी कंपैरिजन। हमें खुशफहमी है कि हम इतने लोगों से
20 मिलता रहे तो बहुत मतलब हम तो सुपर है, बड़ी गलत है मगर बार हमने मगर ये पता मैंने होना चाहिए कि यार देर थिंग्स कैन बी 10 times बेटर ह्यूमन कैन बी जो हम देखते हैं ह्यूमन जिंदगी 10 times मोर प्रोडक्टिव हो सकते फिर आप अगर इस तरह सोचेंगे ना तो फिर आप प्रोडक्टिव बन बता आप देखेंगे मेरे गिर्द वाले ये काम इतनी देर में करते मैं उनसे डबल स्पीड कर रहा हूँ तो आप ये देखें कि दुनिया का सबसे तेज तरीन प्रोग्रामर कितनी देर में काम और वैसे कई बार ये खुश होंगे कि आप जितनी देर में कर सकते हो उतनी देर में ये उम्र खुश होंगे हाँ वो मुझे सरफराज साहब ने एक वो साइट बताई codesignal.com उसके अंदर 15 मतलब 70 मिनट में 4 सवाल करने पहले 2 आसान होते हैं बहुत हैं और तीसरा चौथा एक्चुअली सवाल तो हमारे तकरीबन मेरे आप तकरीबन 98% बंदे ना तीसरा सवाल हाँ 2% एग्जिस्ट करते हैं मगर मेरे ख्याल में वैसे मैं बाहर भी रहा हूँ तो बाहर के लोग हमसे बाकी सवाल हमारी मुसलमानों की कुट क्यों पाड़ी हमारा कुछ है ना हमें ख्वाहिशें कुछ कर सकते नहीं एनी वे मतलब ये थोड़ा डिप्रेसिव वाला पार्ट आ गया मगर ये अगर बंदे को एहसास हो जाए कि मैंने बेहतर होना है तो इस कम्युनिटी में तो सबसे अच्छा होना कोई मुश्किल तो आप ये देखें इस वक्त कंपनी में आई हैव टू बी द बेस्ट इन वट एवर क्योंकि अगर मैं फ्रंट एंड प्रोग्रामर हूँ तो मैं देखूँ अच्छा यहाँ ये फलाना बंदा मुझसे बेहतर है ये फलाना मुझसे बेहतर है और आप उस बंदे से बातचीत करेंगे वो आपको बता देगा मैं कैसे इसलिए सोच रहा हूँ उससे बातचीत करेंगे और उसे यानी वो आखिरी सीढ़ी नहीं अच्छा तो हम कह रहे थे डोंट राइट कोड थोड़ी सी तो कोड अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं ना तो बिल्कुल ठीक है मेरा मेरी चीज़ ये है कि जितनी अल्फाज में बोल के बताया जा सकता है ना इन जनरल उससे कम अल्फाज में वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है फिर कई चीज़ें आपको बहुत बर्बोज होना पड़ता है और कंप्यूटरिंग में बहुत एक फंक्शन कॉल कर दिया वहाँ ये हो गया मैंने आपको कहा यहाँ जाएंगे तो यहाँ ये पैरामीटर पास करेंगे और ये रिजल्ट आएगा वहाँ आपने इतना सर लगाएंगे मगर कोई भी फंक्शनैलिटी आप कह रहे हैं कहते हैं तो मेरा थंब रूल है कि कोई भी फंक्शनैलिटी 10 नंबर से ज़्यादा तरह से बढ़ा दूंगा मगर मैं 10 रैंकों से ज़्यादा लिख रहा हूँ तो मैं कहूँगा नहीं दे मस्ट बी अ बेटर और कोड नहीं लिखूंगा तो बाकी आएंगे थोड़ा लिखूंगा तो थोड़े बाग आएंगे ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा बाग आएंगे तो जो लोग बहुत ज़्यादा कोड लिखते हैं मैं अपने जहन में कहता हूँ थोड़ी वायरस है वायरस फैलाता जाएगा फैलाता जाएगा बाग फैलाता जाएगा हर जगह शाम उसके बाद क्योंकि टेस्ट करता जाएगा और उसके बाद साइड सर ये बाग आ गया हाँ जी सर सॉल्व कर अगले दिन आपको बाग सॉल्व कर रहे ना उसे मज़ा आ रहा है ना कुए को मज़ा आ रहा है ना बॉस को सब मज़ा आ रहा है Getting a bug in your code should be taken very seriously. आपने how come मेरे कोड में बग है? इसी तरह मैंने कोड लिखा तो ये वाले ने कहा सर मेरे पास लिस्ट है बग अच्छा मतलब मैं तो तब से तबीयत खराब हो गई यानी मुझे फटाफट बताइए यार उसने मुझे तो साथ में होता ना एक खबर आ रही है एक खबर दो ताकि को फिक्स कर एनीवे तो उस वक्त आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ कम आई कुड हेल्प मतलब और इट डज नॉट मैटर कि आपको उस कंपनी में क्या तनख्वाह मिल रही है आप अपने आप को बिल्ड करें जब आप इस लेवल जिस लेवल पे मैं बातें कर रहा हूँ उस लेवल का कोई बंदा है तो आई एम डेफिनेटली उसको मल्टीपल टाइम्स चाहिए मगर उसके लिए काम आज से शुरू करें फ्री में भी काम कर रहे तो कोई मसला नहीं एज लॉन्ग एज
आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपकी डेवलपमेंट ठीक हो रही है, आप कुछ आगे सीख रहे हैं, आपको जितनी तकलीफ पिछले दिन दफ्तर में आने में हो रही थी उससे कम अगले दिन आने में हो रही है. इफ यू रिपोर्ट वर्क यू शुड नॉट बी एबल टू स्लीप विदाउट इट. मगर मुझे तभी नहीं था अगर मैं कहूँगी मैंने कोड लिखा और उसमें भाग आया होगा मैं फिक्स नहीं करता. आप कहेंगे सर हाँ जी वो डिफॉल्ट एटीट्यूड क्या सर मैंने कोड लिख दिया कोई भी भाग आएगा ये सबसे अच्छे प्रोग्राम है मैंने कोड लिख दिया जब भी बाका है तो मैं सॉल्व कर ये नहीं आप ये कह यानी मैं ये सुनना चाहता हूँ सर वो कोड बग नहीं है आएगा तो कैसे सॉल्व मैंने तो कहेगा लिस्ट बन गई बनती जा रही है बनती जा रही है रोजाना आते बग बग फिक्स करते मतलब जब मैं ये देखूँ किसी मॉड्यूल में बग आते जाते एक दिन बग आए और बग आए जितने निकलते उतने और आ गए फिर मैं कहता हूँ कोड में काम मगर पहले दिन 10 बग आए दूसरे दिन 2 बग आए अगले दिन 1 बग आया फिर 3 दिन बाद बग आया चलो ठीक फर्स्ट नेचर इज टू फाइंड एंड गिव एक्सक्यूजेस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग ये देखिए मतलब आपको जब प्रॉब्लम मिले ना तो असल में आप बोल चाहिए जिस बंदे ने स्पेक्स बनाई वो उतनी डेप्थ में नहीं जा सकता था कि एग्जैक्ट मोर्चे में बताता कि यहाँ देख मतलब चूहा भी निकल सकता तो आप ये देखना कि मैं ये बनाने लगा हूँ इसका जब भी बग आना मैंने फिक्स कर तो कोड ऐसा मैं लिखूँ जिसमें बग ना आए उसको सोचे देखें कि स्पेक्स पूरी है जिस जिस बंदे ने एक्चुअली वो एग्जीक्यूट करना है वो सबसे ज़्यादा उस मोर्चे को समझ सकता है. You should be able to bet your neck on the code you have written. Okay? मैं दफ्तर में मजाक करता हूँ मेरे कोड यानी बग हो तो गद्दर उड़ा दो बाकी लोग कहता हूँ कि यार क्या गारंटी है गद्दर वाली मतलब ये आप खुद यानी अगर आप नहीं गारंटी कर सकते तो इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं चलेगा स्पेस शटल क्यों चलेगी जब उसका हर पुर्जा सही काम Try to achieve something significant. अगर आपने वो 15 मिनट वाला रूल लगा दिया तो यू विल अचीव समथिंग सिग्निफिकेंट और अगले दिन भी आके आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगले दिन फिर बिलीव कर रहे होंगे पिछले पिछले के बाद भी सब संभाल रहे होंगे. अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है यू शुड बी हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक वाइल डेवलपमेंट यानी हमें ना प्रोग्रामिंग अभी इतनी आती है जितना एक बच्चे को साइकिल चलाना बच्चे जब साइकिल चला रहा होता है तो उसे सबसे ये ज़्यादा फिक्र होगी मैं इधर ना गिर जाऊँ कि उधर ना गिर जाऊँ इसी तरह ही क्यों जी और अगर साइकिल चलाना आता है तो आप पूछे थे जाऊँ कितनी मोटरसाइकिल चलाने वाले भी जानते होंगे शुरू में समझ नहीं आता क्लच किधर है गियर किधर है ब्रेक किधर है काम क्या दबाऊँगा मगर जब चलाना आ जाता है फिर आपको ये फिक्र नहीं होती कि जनाब क्या चीज़ आप किधर दबानी है आपको खुद ही ब्रेक लगती है खुद ही सारे काम होते हैं तो जब कोडिंग में भी आपको इस लेवल तक आना है कि कीबोर्ड कंट्रोल ठीक होना चाहिए पर अगर सोच रहे हैं बड़ा आगे का और कीबोर्ड में जाते हुए कीज ही नहीं नजर आ रही तो आधी जान तो नहीं काम होती अच्छा यू आर गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस प्रोग्राम यू डोंट नो हाउ टू प्रोग्राम और यू डोंट हैव रीजनेबल कमांड ओवर लैंग्वेज जस्ट लाइक यू ड्राइव अ बाइसिकल और समथिंग बोलते हुए हमें सोचना नहीं पड़ता छोटा बच्चा होता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है एक ग्राम जाना तो व्हेन यू गेट गुड एट समथिंग आप उसे बड़े ऑब्जेक्टिव के ऊपर सोचना शुरू करते हैं हमारे ज़्यादातर लोग लैंग्वेज के साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं लैंग्वेज को भी सीखना है तो ऐसा बड़ा काम नहीं है आपने देखना है इसके बुनियादी सूल के बजाय कि रोजाना आके आके आप लैंग्वेज सीख उसके जो 80% मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज चीज़ें आपने देख लेना ये मेरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली और ये अगर मैं नया हूँ तो मैं कहीं जगह उसके स्लिपिट से करता हूँ कि जब ये करना तो यहाँ से स्लिपिट उठा जब मुझे पता ये क्या करता है. अच्छा जी थिंकिंग अबाउट स्पेक्स शुड बी मेजर पार्ट ऑफ द कोड कोड राइटिंग सेकेंडरी मैं जब कोडिंग कर रहा था मैं देख रहा था ये स्पेक्स ठीक नहीं है लाइन तो मैंने घंटे में 10 लिखी है घंटे में 15 लिखी है उसे फंक्शनलिटी ठीक ठाक लिखी करती है पर मैं देख रहा हूँ ये आप और किधर किधर फिल होगा
इसके अंदर और स्पेक्स क्या होनी चाहिए, मतलब जो बंदे बाकी मतलब सीनियर प्रोग्रामर बनना बिगनर लेवल होगा, बिगनर लेवल ने अपने 15 मिनट डिफाइन कर, मिड लेवल ने अपना 15 मिनट डिफाइन कर। यानी अभी तो हम टाइम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, क्यों जी? डेफिनेटली हर बंदे को पता होगा मैं टाइम एस्टिमेट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं कहूँ ये व्यू बनाना है ये कितनी देर में बनेगा, कोई बंदा कहेगा 3 मिनट, कोई बंदा कहेगा 8 घंटे, कोई कहेगा 2 दिन। असल में ये सोचने की बात है, दुनिया का सबसे तेज प्रोग्राम है ये भी दिन देर, और उसके उस व्यू में क्या क्या फंक्शनलिटी होगी, कैसे कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी अगर उसने प्रैक्टिस की हुई है, वो थकाटक रहेगा, उसने तस्वीर देखी, उसने अंदाजा लगाया कि रिस्पॉन्सिव में क्या क्या आना चाहिए, उसके पक्के पक्के असर होगा कि ये कर दो ये कर दो ये कर दो ये कर दो। जब सर्जन ऑपरेशन के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उन्हें सोचना ही पड़ेगा वो उसी तरीके से प्रोसेस करेगा। जैसा हमने कहा कि डोंट राइट कोड, मतलब आपने लिखनी 10 लाइन है, अगर आप कोडिंग वायरस बने हुए कोड लिखते जा रहे हैं इसका काम ही गलत, मतलब उतनी स्पेक्स ही नहीं थी। सीनियर प्रोग्रामर शुड चैलेंज स्पेक्स, गेट स्पेक्स मॉडिफाइड इफ देयर आर इश्यूज विद स्पेक्स। Programmer is actually in the trench. He needs to understand the usage, why it's being done, and should suggest improvements. यानी वो उसे आपको कोई टास्क मिला है तो आप एक थोड़ी सी एफर्ट करें, ये देखने के लिए प्रोडक्ट क्या है, इधर इसकी ये किस वजह से यहाँ मुझे ऐसे कहेंगे मैंने मुझे ये कह दिया था ये सेटिंग का पेज बना दो और मैंने वो सेटिंग का पेज बना, थोड़ा सा समझ लें उसका आपका भी फायदा है और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। उसके बाद आप अगर हाई लेवल पे सोचेंगे तो आप मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सीनियर आर्किटेक्ट बन सकते हैं वगैरह। प्रोग्रामिंग के वक्त कुछ चीज़ों को सेंट्रलाइज करें, डाटा इनपुट आउटपुट फॉर एग्जाम्पल एपी कॉल हो रही है तो कुछ करें सेंट्रलाइज जगह से जाए, डिस्क से रिप्लेस हो, मतलब एक जनरल जो चीज़ सेंट्रलाइज हो सकती है उससे सेंट्रलाइज करें। अगर इमेज लेना कैमरे से तो सारी जगह पे एक सेंट्रल जगह से आना चाहिए, हर जगह पे जाके नया कंट्रोल डाल के नहीं कर लेना चाहिए। बाहर गुजरे इस्तेमाल करने वाले के केस में बिल्कुल नहीं सब पता है, मगर कोड डुप्लीकेशन तो इतनी ज़्यादा टेंडेंसी है। आप देखेंगे ये कोड ऑलरेडी जब बना हुआ उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस वजह से फर्क को सीधा सीधा करके कॉपी किया, मजीद दूसरा देखेंगे इसको एक ऑप्शनल पैरामीटर भेज देना और सिर्फ एक चक्कर, जब एक हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू होगा फिर मैं इसको कोड ना। आप किसी भी प्रोडक्ट में चले जाएंगे कोई ना कोई प्रोग्रामर बल्कि बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा प्रोग्रामर बल्कि इससे भी ज़्यादा परसेंटेज ज़रा से मिलती जुलती फंक्शनलिटी को फटाफट कॉपी पेस्ट करके आपके हिसाब से कस्टमाइज कर। अब अगर सेम बात उसमें मौजूद था तो आप दो जगह पर, अब जब यूए फिक्स करवाएगा तो किसी एक जगह पर हो सकता है वो 10 जगह डुप्लीकेट फिर किसी कस्टमर के पास आएगा, उसमें किसका प्रोग्राम है। समरी राइट एज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू डॉन, नया अब क्या करें आप? अच्छा इसमें ये 15 मिनट में सिग्निफिकेंट, क्योंकि सबसे पहले तो क्राइटेरिया डिपेंड, मतलब हर बंदा जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है बैकएंड कर रहा है फ्रंट कर रहा है उसमें कोई एक चीज बहुत अपेरेंट नहीं था, फ्रंट एंड कर रहा है तो ज़ाहिर है यूजिंग इंटरफेस पर शामिल है। लेकिन उस केस में मैं कहूँगा कि मैं अपने आप को एफिशिएंट करता हूँ तो मैं कहूँगा सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम मैं कितने मिनट में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रंट एंड प्रोग्रामर हूँ तो मैं एक मेरी कॉमन सी एग्जाम्पल है कि बटन लगाऊंगा एक फील्ड लगाऊंगा और कहूँगा ये तस्वीर है बटन दबाओ तो काउंटर ये मैं कितनी देर में लिख सकता हूँ। यानी पहले दफा मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा 15 मिनट 20 मिनट में लिख सकता हूँ, फिर मैं अपने आप को चैलेंज मैं कहूँगा क्या ये मैं 10 मिनट में लिख सकता हूँ, क्या ये मैं 5 मिनट में लिख सकता हूँ, क्या मैं ये 3 मिनट में लिख सकता हूँ। मतलब और इस तरह का लिखते हुए मुझे सोचने की जरूरत है, मुझे पता होना चाहिए बटन डालूंगा उसके ऊपर क्लिक किस तरह इंप्लीमेंट करूँगा
एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा और उस वो काउंटर में इंक्रीमेंट हो रहा होगा और डिस्प्ले होगा, सही। तो अगर कोई मोबाइल प्रोग्रामर है तो वो उसने किसी में एक्सपर्टीज करनी है एक स्क्रीन को जल्दी समझना, और स्क्रीन के अंदर नॉर्मली क्या होगा, या बटन हो गए या लेबल हो गए या टेबल हो, तो एक नई स्क्रीन में एक टेबल डालना है और एक टेबल लिखना है। यानी वी शुड स्टैंडर्डाइज के एक इस तरह का टिपिकल पेज कितनी देर में सारे एग्री करेंगे, जाहिर वही प्रोसेस अगर नहीं एग्री करते तो आप बैठ सकते हैं। अच्छा, उसको बैठ के रिफाइन करें, यानी इसको मैं कहता हूँ डिवेलपमेंट साइकिल को क्विक करें। अच्छा, उसमें कई बार कंप्यूटर हो सकता है। अच्छा जी, ऐप इतनी बड़ी हो गई है कि उसको कंपाइल होने में 10 मिनट, इसका मतलब है आपने जो 15 मिनट वाला इटरेशन लूप ना वो कैसे आप चला है। 15 मिनट वाला इटरेशन लूप की मेरी एक बेसिक अजम्पशन है कि मैं जैसे ही चेंज करूँ 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में मुझे उसकी आउटपुट मिलता है। इसका मतलब ये है एंड्रॉयड या iOS वाला डेवलपर हूँ तो फिर मैं कहूँगा अच्छा इसमें मिनिमम अगर मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं एक्चुअली डिवेलपमेंट किया, ताकि ना लोगों का मतलब ना आपका टाइम जाया हुआ है। आप सुबह से आते हैं जिसमें आप एक चेंज करते हैं, 1 मिनट का चेंज होता है, उसके बाद 10 मिनट इंतजार करते हैं, 5 मिनट इंतजार, वो बिल्ड होगा, ये होगा, वो आप देखेंगे डिपेंडेंस, देखें आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिपेंडेंस बन रही है एक ही कॉल, भैया एक छोटा सा एक मिनी डब्बा सा बना लें जो एक ही सर्व करता है, जो आप उससे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद अपने पास में, ताकि सर्वर डाउन हो ना हो। नहीं, ये काम वो है जो लोगों ने रोजाना करते हैं। अपना डिवेलपमेंट साइकिल आपने कैसे छोटा करना, आपने आपको ठीक है तो डिवेलपमेंट साइकिल के ऊपर काम करें। अच्छा, ये वाला हम कह रहे थे रिपीट स्मॉल कोड, जो भी आप रहे, अगर एक फुल स्टैक डेवलपर है तो वो देखेंगे मैंने ये यूजर ने पासवर्ड मैंने डेटाबेस में स्टोर करना और रिट्रीव करके एक लिस्ट दिखा, मैं ये कितनी देर में, और अगर और उसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यू बिकम गुड एट, और वो आपका आधे घंटे से रिड्यूस होके वो 45 मिनट से रिड्यूस होके 10 मिनट बन जाएगा, 15 मिनट बन, और उसकी 5 दफ़ा प्रैक्टिस करें। पहली दफ़ा 45 मिनट से वो 40 पे आएगा, 35 पे आएगा, 30 पे आएगा, हत्या के 15 मिनट, उसके बाद आपको वो सोचना नहीं पड़ेगा ये काम करते, अब आप उससे बड़ी सोच कर सकते हैं। यार ये तो हो ही जाता है, यानी मुझे बड़ी अजीब बात लगती है, मैं किसी को कहूँ यार इस जगह पे टेबल डाल दो और इसमें फलाने टेबल की लिस्ट, यानी मैं फिर देखता नहीं उसकी तरफ, क्योंकि वो यानी अगर मैं उससे ज़्यादा करूँगा तो कहेगा कि, अगर मैं उससे बातचीत करूँगा तो कहेगा ये तो सारे इतनी देर करना, यानी अगर ऐसा करना होगा तो उससे साथ बनाओ, मैं कहूँगा आओ बैठते हैं देखते कितनी देर नहीं होता, ताकि हम एक कॉमन पेज पर आए, ठीक है। एनीवे, स्टार्ट एस्टिमेटिंग वर्क, किसी और को ना करें, अपने काम को ब्रेकअप करना शुरू करें। मैं कई बार प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ 8:15, 8:15 नेक्स्ट टारगेट है, देखो मेरे सेल्फ एवेल्यूएशन, तो एस्टिमेट करें और सेल्फ एवेल्यूएशन करें। स्टार्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, डिफाइन टारगेट्स ऑफ 15 मिनट्स इवन मिनट्स राइटिंग अ स्केलेटन ऑफ अ बेसिक क्लास, ये हर बंदे ने अपने हिसाब से डिफाइन करना है। राइट एज लिटिल कोड एज पॉसिबल, राइट कोड इन इंक्रीज, स्मॉल फंक्शन डिवाइड द फाइल इनटू डायरेक्टरीज, फाइल्स डायरेक्टरीज, प्रोग्रेस शुड बी एवरी 15 मिनट्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रोग्रेस वरना पूरे दिन बाद आपको पता लगेगा मैंने कुछ नहीं किया, आपने आपको बता कोई नहीं मानने को तैयार मैंने कुछ नहीं किया, फिर देखिए आप अपने आप को देखें आपने कैसे प्रोग्रेस करें। आपको एक दिन में सिग्निफिकेंट काम करना है और वो आपको फीडबैक का पता चलता है अगर आप एवेल्युएट करेंगे, अगर आपको 15 मिनट की वेरिएशन मिल रही है तो आपको हर 15 मिनट बाद पता लग रहा है स्लो जा रहा है तेज है, ठीक है। और एक तो ये कि क्योंकि आपने टारगेट बहुत छोटा डिफाइन किया हुआ है, अगर मैं कहूँगा माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ तो आप फ्रेश नहीं है तो चढ़ना मुश्किल होगा, और अगर मैं कहूँगा एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो आप थके भी हैं तो सीढ़ी चढ़, तो किसी को काम देते हुए भी उसकी हैसियत देख के काम लेना, और खुद काम करते हुए भी अपनी हैसियत देखते हुए काम को ऐसा ऐसा स्टेप्स बढ़ेंगे।
पहले आप देंगे पूरा साधन आपने बिना जितना पेड़ है फंक्शन के पैरामीटर बनाना उसे ग्रेटर कर देंगे फिर कहेंगे नहीं यार एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना अच्छा एक मेरा व्यू बनाना मेरा पहले 45 मिनट में था अब मैं कितने व्यू मतलब एक व्यू को देख के लग गया तो अच्छा इसके अंदर ये सबसे पहले डब्बा भरना है उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं उसके बाद इसके अंदर ये बटन डलने उसके अंदर ये डलने हैं ये 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कर लो बेशक उसे इवन 3 से मैं मल्टीप्लाई कर यार होना फिर एक और था कि प्रैक्टिकली जो मैं एस्टिमेट करता हूँ ना उसमें एक्स वाई जेड बचा की वजह से एक्चुअली 3 टाइम बस हो यानी एक्चुअल टारगेटिंग उसमें बाकी आ सकता है उसके अंदर मुझे आपको ला भी सकता है मतलब थंब रूल ऑन एवरेज जिस तरह मैं जब पढ़ा करता था तो मैंने अपने लिए एस्टिमेट लिखा था कि मैंने लिख के पढ़ना है और ऑन एवरेज अगर मैं सही पढ़ता रहूँ तो 4 डिजिट्स के समय लिखूंगा तो शाम को मैं देखता था मैंने एक्चुअल खुश फहमी थी ना सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा मगर एक्चुअल पढ़ाई हो रही है 15 इतने घंटे में मेरी एक्चुअली 3 घंटे तो सेल्फ एवेल्युएशन करें मेरे ख्याल मोर और लेस पॉइंट्स मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा समरी क्या है वही के लिए हर आर्की में सोचना है और 15 मिनट में के टारगेट्स आपने डिफाइन करें जब आपने कोई स्ट्रेटेजी बनानी है जिसके तहत आपने काम करना ताकि आप अच्छा एक और बड़ा कॉमन मिस्टेक है कॉमन प्रॉब्लम आप इसे कहें ना ये फंक्शनैलिटी करनी है कैसे करोगे आपको जवाब मिलेगा सब जाके सोचो और मैं जाके करता हूँ मैं जाके सोचूँ सोचता हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं उनको अपनी सोच के बताता हूँ और जाके करना शुरू करती है इसका मतलब कोई सेट आप कुछ लिखना शुरू कर देंगे ना पता है और कुछ करते करते कोई तकलीफ होगी तो कुछ और करना शुरू करें और जाहिर है बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बड़ी मेहनत कर ऐसे ही ना हर बंदा आके सुबह से लेके शाम तक और तो कोई ऐसी तरीका मेहनत कर रहा है मगर अगर आप एलिवेट करेंगे यार एक्चुअल आउटपुट क्या है मतलब क्या ऐसी फंक्शनैलिटीज है इन ऐप्स में जो चलती चलती जा रही है चलती चलती जा रही है इसका मतलब कोई कोड गलत लिखे या तो ना कि रोजाना की नई फंक्शनैलिटी मिल रही है डेवलप करने के लिए कि जी अभी इसके अंदर राइडर के लिए वो जो होते हैं इनामात का कोई तरीका नहीं था अब वो फंक्शनैलिटी नहीं है अगर वो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है तो फिर तो मैं कहना चाहिए मतलब ठीक है नई फंक्शनैलिटी है इसको सोचो प्लान करो मगर अब कोड लिखना तो उसमें बग नहीं आना चाहिए ये भी थोड़ी सख्त बात है शायद मैंने बुक बताई भी है रिक्वायर्ड्स एज फॉर बैड प्रोग्राम यू आर जस्ट वेटिंग टू गेट आउट ऑफ दिस थिंकिंग प्लेस भाई थिंकिंग नहीं है मतलब आपने ये देखना है कि मैंने आज क्या करना है मैंने क्या अचीव करना है मैंने क्या आज करनी है क्या मैंने आज कुछ अचीव किया कुछ लर्न किया और लर्निंग की लिमिट नहीं है कि मैं कहूँगा मैं तो अब IAS 6 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ अब मुझे लर्निंग की जरूरत मतलब यू कैन ऑलवेज लर्न अगर आप सही प्रोग्रामर नहीं है यू विल गेट टायर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम क्योंकि आपको साइकिल बैलेंस ही नहीं करना आता आपको अपना टारगेट ही नहीं डिफाइन करना जब प्रोग्रामर अगर सही तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहा हो तो हर 15 मिनट बाद उसे एक बूस्ट मिलेगा जब वो चीज चलेगी ना उस तरह जिस प्लान से तो उसकी वजह थकत ही खत्म होगी और अगर आप जगल कर रहे हैं कोड के साथ जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं बदल सकते इसका मतलब है स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है और मैंने पहले भी कहा सैलरी कम मिल रही है या ज़्यादा ट्राई टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट वो अगर आज वो उसकी कदर नहीं कर रहा कल और कदर कर इवन इफ यू डोंट लाइक द प्लेस कीप वर्किंग हार्ड एंड लीव ऑन योर नेक्स्ट चांस ठीक है मेहनत करना बहुत जरूरी है और अगर बंदा सही काम कर रहा होगा तो उसी जगह आपकी जरूरत आप उस कंपनी की जरूरत है बैठ जाए देन पीपल कैंट लीव विदाउट यू और अगर नहीं कर रहे
तो ना यहाँ अफेक्ट होंगे ना कहीं और अफेक्ट होंगे. एंड यू शुड एटलीस्ट बी वरीड इफ यू डिड नॉट सॉल्व अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन अ डे. ऐसा ऐसा शुरू करना शुरू ऐसा ऐसे शुरू में मगर 15 मिनट का रूल मैं कहूँगा हर कोई ट्राई करें. 15 मिनट में हर किसी को वो चीज नहीं करना जो 15 मिनट में आपने इंटरनली करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज मुझे कोई कह देता है जी कैलकुलेटर बना. ठीक है. तो ये इसके बाद दूर करते हैं काफी टाइम होगा. एग्जाम्पल क्या है. हाँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं जी कैलकुलेटर बना वेब पे हो तो मैंने कैसे इसको ब्रेकअप करूँ. क्यों जी प्रॉब्लम मैं सवाल में पूछूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा. तो मैं सबसे पहले कहूँगा इसका एक लॉजिक पार्ट होता है एक व्यू पार्ट. सही है. यानी लॉजिक पार्ट ऐसा होगा जो जिसे कीज आ रही है. अब वो की इस व्यू से आ रही है या किसी और तरीके से आ रही है या मैंने उधर ही कोड लिखा हो जो कि खुद इंटरनली कीज जनरेट कर रहा है ईएड से. तो दो सेपरेट पार्ट्स होंगे. किसी एक चीज को पकड़ लिया व्यू को पकड़ लिया व्यू को पकड़ लिया. अच्छा किसी ने कह दिया कि बॉस ने आके कह दिया कि इस एप्लीकेशन में एक जगह डाल है जहाँ बटन दबाना है तो कैलकुलेट. मेरे ख्याल में इसके बाद स्पेक्स मैं ज्यादा सवालों से पूछ सकता हूँ. सर साइंटिफिक चाहिए या नॉर्मल चाहिए. दूसरा ये दूसरा यदि क्रिएट पैटर्न था आपका बॉस आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है. अगर ट्रस्ट करता है तो नेट से रिसर्च करें एक अच्छा सा यूनिक पकड़े और उसको इम्प्लीमेंट कर दें. वरना नेट से जो आपने सर्च किया और बॉस को दिखाने से ऐसी अच्छी तरह नहीं होता. अगर उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं अब यह है कि आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए आसानी होगी. अच्छा उसके बाद आप एक अच्छा इस कैलकुलेटर में क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं. फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड में लॉजिक के साथ भी जुड़ते हैं. अच्छा इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी. इवेंट बेस होगी बटन जमी होंगे वो इसके पूछे कॉल कर रहे होंगे. ये आईएस में भी यही होगा एंड्रॉइड में भी यही होगा वेब में भी होगा. अच्छा व्यू को पकड़ा हुआ है और व्यू को कर दे और मे बी इसके अंदर ये डिसाइड करूँ कि मैं लॉजिक लिखूँ या व्यू बनाऊँ. व्यू बनाना तो अच्छा हर वो साइंटिफिक नजर आएगा या नॉर्मल भी नजर आएगा बटन से साइंटिफिक होगा. इस तरह की चीज़ें सोच लूँगा स्पेक्स खुद को ना मतलब कैटर किसी के कहते कैलकुलेटर चाहिए तो अगर 20-20 का फर्क भी हो तो कैसे सीख सकते हैं. मसला तो तब आएगा आप 9 दबाएँ और 8 दबाएँ या 9 मल्टीप्लाई करें तो कुछ और हो जाए. ओवरफ्लोज में आपने ख्याल ना रखा हो दोबारा इस तरह से. और इसको अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना है तो आप ये कहेंगे अच्छा जी कैलकुलेटर क्या होता है बेस कैलकुलेटर. अच्छा कैलकुलेटर के अंदर क्या चीज़ें आइटम होती हैं. एक डिस्प्ले होता है एक साइंटिफिक कीज होती है एक न्यूमेरिक कीज होती है एक सिंपल ऑपरेशन कीज होती है. अच्छा इसमें बेस क्लास पार्ट होता है. इस तरह आपको हर आर्टिकल में अच्छा मैं एक बटन की क्लास जो कैलकुलेटर का आपको जो बताएगा कि उससे मैं डिराइव करूँगा नंबर बटन और साइंटिफिक बटन और फलाना बटन. उसका फायदा ये कि जो सारी मेन फंक्शनलिटी बटन से एक्सपेक्ट की जाती हैं वो सारी बेस क्लास में चलती है. इसलिए बेटर है इसी तरह जब लॉजिक पार्ट किया हुआ था फिर लॉजिक सोचूंगा मेरी स्ट्रेटेजी पर. अच्छा एक ही दबे कि मेरे पास मेरे से इस क्लास जो लॉजिकल क्लास है और भी 3-4 हो गए. पहला ऑपरेंड एक ऑपरेशन एक सेकेंड ऑपरेंड एक क्लास इसका मतलब क्लास का मुझे फर्क पता लग गया कि कैलकुलेटर की क्लास के सिर्फ रेंजर क्या होना चाहिए. अच्छा इसका फंक्शन क्या हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड साइन कॉस टैन. इस तरीके से सोच लिया अब इसमें इसे करके 15-15 मिनट में काम करके इंप्लीमेंट कर लिए. इंटरेक्टिव भी रखा जरा टाइम शॉर्ट करने के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं. आप अगर किसी को सवाल वन साइड स्टोरी सब
फारसी थे, मगर ये देखे ना, आपने उसको अभी किसी को ना बताया, आप सबसे पहले अपने ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश, अगर अगर कोई बात पसंद आई, अगर नहीं पसंद आई तो आपको करती, मतलब मैंने तो एक सजेशन दे सकता था कि यार इस तरीके से करिए, दिस इज देन दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ 36 years ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल, यानी ये मुझे पहले दिन बातें नहीं पता, ये मैंने देखा कि मैं अपनी आपको स्पीड अप कैसे कर सकता हूँ। वन ऑफ माय बिगेस्ट इंटरेस्ट इज ऑप्टिमाइजेशन, बीट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम, व्हाटएवर व्हाटएवर, मैं कहता हूँ जो काम किया जा रहा है ये थोड़े टाइम में बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, मैं जो काम अब कर रहा हूँ इसको इससे तेज कर सकता, यानी मेरे लिए ये मैं नहीं देखता कि बाकी लोग इस लेवल पे काम कर, जो मैं काम कर रहा हूँ इससे तेज में कर सकता, इससे कम मेरा हेड एक कैसे हो सकता, इससे ज़्यादा मैं इसे इंजॉय कर सकता, सवाल पूछा मुझे पता है बड़ी बहुत सवाल आ सकते क्वेश्चन। मतलब आप अगर बीस मिनट ले लें, आधा घंटा ले, मतलब किसी स्क्रीन पूरी दुनिया में स्क्रीन सोचे, इस स्क्रीन को देख लें, देखिए मेरा डिवाइस कंपार्टमेंटलाइज़ है, तो कि इफ अ फ्रंट एंड डेवलपर इज
टाइम और आपने उस जेसन की बेसिस के ऊपर आपने अपना टाइम एस्टिमेट कर लिया है और उसी जेसन की बेसिस के ऊपर अपना फ्रंट एंड चला रहे ठीक इफ देयर इज अ बग इन द एपीआई वो एपीआई वाले का प्रॉब्लम पैकेट वाले का प्रॉब्लम है वो उसको रिजॉल्व करें आप अपने एंड से कहें कि ये अगर ये रिस्पॉन्सेस आएंगे तो मैं कोड को ठीक करता हूं पर उसकी टेस्टिंग तो फ्रंट एंड वाले ने करनी है जो बग आएगा वो रिपोर्ट फ्रंट एंड से होगा उससे भी जाके चेक करना कि ये बग पैकेट का था तो उसको पैकेट वाले को यदि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप कहेंगे बग बैक है गिरते उड़ा देना एनीवे मतलब जो मैंने इससे पहले भी एक बात की थी कि ये आपका रोजाना का हैंड है फ्रंट एंड डेवलपर का ये रोजाना का हैंड है कि बैक एंड से उसे प्रॉब्लम आ यानी उसके लिए मैंने दुनिया में ये भी कहा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आप अपना एक जाली डमी एपीए छोटा सा बना रहे मॉड्यूल कि जिसके जरिए आप कहेंगे अच्छा जी ये मेरा आईपीए मॉड्यूल है फ्रंट एंड भी चल रहा है एंड्रॉयड का फ्रंट एंड भी चल रहा है उसे कहते हैं ये काम करो तो आप लोग तो जैसे भी किया कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये रिटर्न कर देना ये करना तो ये रिटर्न कर देना और आपको पता है उसका वही इंटरफेस है जो आपकी कंपनी में बैक एंड एपीए के साथ और कोई बग आता है तो आप ये सोचना चाहिए कि जब भी बग आएगा तो मैं कैसे इसको बग को फटाफट काम करूँ आप सीधा करेंगे जैसे क्या कहीं गया मतलब 10-15 मिनट 10 मिनट में बात करा जाना चाहिए आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए फटाफट फिक्स होना चाहिए मतलब लॉग इन मॉड्यूल जैसी कम्प्लेक्सिटी को मैं वो मतलब मैं हम जिस कम्प्लेक्सिटी के काम कर रहे थे उसी कम्प्लेक्सिटी के और हम कोई कंपाइलर नहीं लिख रहे हैं दूसरा 15 मिनट्स की अगर हम टास्क डिवाइड करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल आप क्योंकि 15 मिनट यदि 15 मिनट में अगर आप मतलब आपके केस में जो 2 साल का है आप एक फंक्शन का सिग्नेचर तो नहीं डिफाइन करेंगे आप करेंगे 15 मिनट में क्या यदि इसको आप अगर आप लहर करना शुरू करेंगे आप करेंगे 15 मिनट ऐसी भी हार्ड डेडलाइन नहीं है 25 मिनट 30 मिनट तक जा सकते हैं और 30 मिनट से ज़्यादा ना लेकिन शुरू में ज़रा सा स्लो शुरू होते मगर मेरा जो है क्योंकि अगर आप लाइनें आपने 4-5 लिखी 3-4 लिखी तो 15 मिनट में लिखी जानी चाहिए और प्लानिंग करना आपको आपको उस वक्त जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उस सारे झंझट से आज़ाद कर रहे हैं जो सारी चीज़ें आपके जाएंगे जो उसमें आप सोच रहे हैं इसमें ये भी बग आएगा उसमें ये भी बग आएगा ये भी बग आएगा आपने सबसे पहले UI डिज़ाइन करने के ऊपर फोकस करना है इसका मतलब है एक ही का हैंड है आपके जेन से उस वक्त देना और उसे निकाल देना जेन से मतलब उस वक्त आप सोचना शुरू हो गए कि एपी के बग्स आएंगे अभी आप अपने करते हुए देखना कि मेरी फंक्शनैलिटी है हाँ ये जरूर यदि जब उसमें फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड बना रहे हैं तो उसमें ये सोच सकते हैं कि अब मैं फिर इस फील्ड के ऊपर फोकस करूँगा नहीं इस फील्ड को 15 मिनट में बनाऊँ हाँ इस फील्ड की क्या फंक्शनैलिटी है इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी तो ऑब्वियस ही है इनपुट लेयर पीछे भेजिए मगर अगर एरर आएगा तो उस फील्ड को रेड कर सकते तो उस फील्ड के ऊपर आप फोकस करेंगे तो कहेंगे इस फील्ड के ऊपर भी मुझे एक्चुअली की फंक्शनैलिटी के हैंडल होगी तो मैं अपने 15 मिनट में क्या करूँगा 15 मिनट में आप कहेंगे मैं इसके अंदर वो वाला एरर केस इम्प्लीमेंट है इस वक्त मैंने लिए 15 मिनट में ये डिफाइन करना है और उसको टेस्ट करना है और यही इसको ओके कर लेना है ये नहीं कि डिवेलप कर दिया आधी टेस्ट होगी आधी नहीं उस 15 मिनट में आपने उतने से पार्ट को चाहे वो एक लूप भी लिखना है चाहे कुछ भी करना 15 मिनट में करके खत्म बेशक वो छोटा सा काम बेशक कोई उसको बटन एक डाल मतलब लॉग इन में कितने आप 15 मिनट बना रहे हैं और इसमें 15 मिनट देखें 15 मिनट ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट 15 मिनट है इस मेरे आपने जो मतलब कोर थिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस 15 मिनट एक बड़े टास्क को छोटे टास्क आपने डिवाइड करना है ये आपको फोर्स करेगा ये करने के लिए अगर आप 15 मिनट कर लिया अपना बैच आप 20 मिनट कर लिया आधा घंटा कर लिया आधे घंटे से बड़ा करेंगे तो वो आप बेसिकली बड़े प्रॉब्लम को बढ़ेगी बड़े बड़े चांस तो आपने बेसिकली जो मेन एम है ये है कि लॉगिन स्क्रीन है यू शुड बी एबल टू डिवाइड दिस इनटू लाइक 4-5 स्मॉलर टास्क मैं UI में डाल दूंगा UI डालूंगा इसके अंदर थीम्स है अच्छा फिर बटन क्लिक के बाद एक के कॉल करके हैं ये कॉल के अंदर टेक्स्ट चला रहे हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं आपके पूरे पूरे प्रोग्राम के एंड एट वन टाइम एज आई हैव सेड फोकस ऑन वन थिंग फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड इफ एवरीथिंग कम्स टुगेदर वेल
फिर ये कि जो चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है उसके बारे में सोचिए मुझे बार बार रिपीट क्यों करनी पड़ती है। मैं हमेशा ये करता हूँ, हमेशा ये लिए चेक करता हूँ, हमेशा ये करता हूँ, और इनमें दो चार लफ्ज मैं ये करता हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ मज़ा, इससे बेहतर सोल्यूशन और इन सोल्यूशन भी होते हैं। मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम, मतलब इसको तो जाहिर है आसानी से एड्रेस नहीं किया जा सकता। मैं तो अपना लिखा हुआ कोड मेरा कुछ ऐसा लोगों के हाथों में रहे, उसके बाद वो बीबी जब मेरे पास आता है तो मेरी इतनी खराब फिर मुझे समझ आती है मैं अब इसको दोबारा लिखूँगी क्या करूँ। तो क्योंकि बेस आर्किटेक्चर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो आपने बेस एक्टिविटी आपकी एप्लीकेशन क्लासेज और जो बेस आपने बना दिया ना वो उसी तरह चलता है, वो फिर आगे चेंज नहीं हो सकता। लाइक आपने एक एक वाले के जो रिस्पॉन्सेज है उनको आपने हैंडल कर दिया और एक जेनेरिक आपने चीज़ें बना दी उसी के हिसाब से, उसके लिए आपको 10x एफर्ट करनी है और वो 10x एफर्ट आपको शायद 100x लगा दे। आप पहले अपना कोड देखते हैं उसको देख के कहते हैं कि मैं पहले इसको अपने लैंग्वेज में लेके आऊंगा या फिर आप कहते हैं कि मैं फकीर हो कि पर तो जो आप कह रहे हो यानी इन जनरल मैं उसे दोबारा ठीक कर पर बाकी बात फिर तो मैं आवाज आ रहा हूं फिर तो मैं दबूंगा अगर वो मतलब उसी से तो मतलब बहुत तो आवाज आ रही है एफर्ट बेशक मेरी ज्यादा लगवा मगर जब मैं गाड़ी चलाने निकलूँ तो गाड़ी उस तरह बिहेव करे जिस तरह मैं चाहता हूँ, वो इधर करता हूँ गियर को आगे करता हूँ गियर टूट जाता है तो ब्रेक वाली ब्रेक ही है। अब मैं कहता हूँ अच्छा जी पॉप बाहर निकाल के गाड़ी को यानी उस ट्रैक एक थीम भी तय बनाना चाहिए और ये कंपनी में दो तीन चार बंदे ऐसे होने चाहिए मतलब वन फिफ्थ वन फोर्थ ऑफ द पीपल should have the energy, dedication to come together और कहें यहाँ पे सिखा कर रहे यार मज़ा है लेना जॉब और काम करेंगे जब वो चीज़ चलेगी तो फिर बताएगा हाँ चल जाएगा वो चलती उसी पर ठीक है या चल जाती है रुकती नहीं यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो 15 मिनट वाला एक रूल है उसे आप कोशिश करने लगे क्योंकि 15 मिनट की शुरू में आधा घंटा लगे घंटा रखिए आपको घंटे बाद तो पता लगे कि आप गलत जा रहे हैं। मगर जो मेरे सारे रूल्स हैं वो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट का काम अपना ज़ाया कर देता हूँ अगर वो मेरे प्लानिंग के तहत अच्छा हाँ जी जितना काम 15 मिनट के लिए डिफाइन होगा वो होगा तो मिनट अगर वो आधे घंटे में चला गया तो आधे घंटे बाद मिनट आएगा अगर 10 मिनट में होगा तो 10 मिनट में आएगा। वैसे मेरे कमिट्स बहुत ज़्यादा होते मैं मतलब उससे नुकसान होती है फायदा ही है जो आपका वो वाला पॉइंट है जिसमें आप एक से हार्ड वाला पॉइंट था आपका कि अगर कहीं जगह पे फेल हो गया तो आप एक से हार्ड आगे दोबारा लिखते रहता दिन बाद नुकसान हो गया ना व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोर मुझे हमेशा लोग ये पूछते हैं कि इन्हें कमिट वो लोग तो 3 दिन तक कमिट नहीं करते उसके लिए कमिट का मैसेज भी नहीं अच्छा इतने कमिट्स हैं 100 कमिट करते हैं ठीक है जी
और मुझे मैं क्या करूँगा, चार से मीट में जाऊँगा, पहला मीट चेक किया प्रॉब्लम है या नहीं है, ऊपर या नीचे, 25 पे गया, 25 रह गए, 12 रह गए, 6 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गए, और एग्जैक्ट दो लाइनें नजर आ जाएगी जिसमें प्रॉब्लम। मुझे इसके इतना बड़ा कमिट लेके मेरे पता नहीं है इसमें कितना कमिट प्रॉब्लम, तो वो लाइन नजर आ जाती है इस लाइन में। अव्वल तो जो सारे फॉर्मूले हैं उसके तहत पीछे जाने की जरूरत, आप तो जा रहे थे आगे स्पीड में और जब एक्सीडेंट बाद में गाड़ी चलती है तो मजा आता है, तो छोटे छोटे स्टेप हर थोड़ी देर बाद खुशी, और नहीं खुशी हो रही तो इसका मतलब ये अभी यही प्रॉब्लम है, इसी 10 मिनट में प्रॉब्लम है, वरना कुछ नहीं पता, फिर वरना अनगाइडेड नो प्लान। आप अपने शुरू में दिन के दो टुकड़े कर देंगे, फिर दिन के चार टुकड़े करेंगे, सोचना काम है, लाइनें नहीं लिखी, लाइनें तो चार से लिखी है सर, लाइनें तो 10 लिखी है सर, वो 10 क्या लिखनी है, वो 10 ले जाऊंगा मैं उसकी इजाजत दूंगा। अभी पिछले दिनों हमने कहा एक वर्ड लाइक एडिटर बनाओ जिसमें टेबल की फंक्शनैलिटी हो, उस वक्त ये टारगेट होता है कि टेबल की फंक्शनैलिटी ये, अच्छा ये बताया कि एक वर्ड टाइप एडिटर है, फ्रंट एंड डेवलपर वेब के कौन कौन किस किस को आती है, 1, 2, 3, 4 ये अगर कोई दे देता है आप ही ये अगर कोई कह देता है तो ये फंक्शनैलिटी कितनी देर में बनाई जा सकती, और इवन एंड्रॉइड डेवलपर शुड बी एबल टू एस्टिमेट, और अगर नहीं कर सकते तो वीकेंड में 2 दिन थोड़ा सा फ्रंट एंड दे, एबीसी सब भी बताओ, अल्लाह करे आप तो बोर हो और ऊपर जाए तो ओवरऑल चीजों का दावा ना चाहिए, पर एंड्रॉइड डेवलपर क्या वेब वाला क्या था, वो वही काम कर रहे जो आप कर 80% वही काम कर रहे, वही बटन, वही क्लिक्स, उसी इनपुट, उसी के ऊपर कोई व्यू अपडेट चीज जैसी नहीं हुई, चलिए मतलब वेब वाले सबसे पहले उसके रिलीज पर सपोज मेरे हिसाब से था मैं ये एक स्टेटमेंट कि डिवेलप टेबल फंक्शनैलिटी फॉर एडिटिंग इस सब, ये वो नहीं है कि मैं कितने किसी को अकाउंट सिस्टम बनाने का कहता हूँ, इसमें भी इंस्टेंट अभी आपने पूछा तो कोई आपको आंसर नहीं जा सकता कि आपने कितने टाइम में, बिल्कुल ठीक है, मतलब सोचना तो चाहिए ना, मगर ऐसा ऐसा सोच के मगर ये कोई नहीं कहेगा कि 3 साल लगे, जो 3 घंटे का कह रहा है वो भी गलत है, नहीं हो सकता, यदि आपने सर एक टेबल ऐड कर सकते हैं आप 3 घंटे, वो मसला तब आता है जब आप मल्टीपल टेबल्स पर जाते हैं, लेकिन पहले अगर आप एक टेबल पर अचीव कर रहे हैं तो फिर आप मल्टीपल आराम से, यानी फंक्शनैलिटी समझें, फंक्शनैलिटी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फंक्शनैलिटी इज वी वॉन्ट टू बिल्ड एन एडिटर, आप कह रहे एडिटर बनाओगे जिसके अंदर आपने टेबल फंक्शनैलिटी डाल दी, टेबल फंक्शनैलिटी का मतलब ये है आप एक वर्ड सोचें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते थे उस सॉफ्टवेयर में, अब आपको कहा गया है उसके अंदर टेबल की फंक्शनैलिटी डाल, अब इसकी तशरीह मैं करता हूँ, यदि मुझे भी कहेगा तो मैं बोला अच्छा व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस, इसका मतलब ये है कि मैं कहीं बता सकूँ कि बता सकूँ कितने लोग कितने पर यहाँ से शुरू होगा, अगली फंक्शनैलिटी मैं सेल में डाटा एंट्री कर सकूँ, अब ये तो बेसिक फंक्शनैलिटी है,
अब क्या मैंने इतना ही बनाना है या अच्छी बन गई, फॉर एग्जाम्पल कॉलर रीसाइजिंग दूँ या ना दूँ, कॉलर डिलीट दूँ या ना दूँ, रो डिलीट दूँ या ना दूँ, ऐड कॉलम वाला बार, ऐड कॉलम टू राइट, ऐड कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट सेल रो बार, इंसर्ट रो बिफोर, मर्ज सेल्स वगैरह वगैरह, मतलब अब ये सब इतनी फंक्शन है. इफ आई ऐड, if I tab, I get to the next cell. If I shift tab, I get to the previous cell. अगर मैं arrow press करूँ तो आगे जाऊँ, पीछे आऊँ. ये तो सर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते आते हैं ना. मैं basic functionality table बन गया, row column मिडिल table हो गई. ये basic functionality बन जाए, फिर एक एक step आप जो 15 minutes का आपका interval है उसको लेके चलते जाते हैं. यही जो आप करेंगे. सर इससे भी 15 minutes भी बनेंगे ना basic. अगर ये चीज डायनेमिक होगी 3 घंटे के अंदर, अब नेक्स्ट में सोचूंगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मजा आने लग जाता है इस चीज को. ठीक है, तो फिर आप खुद सोचेंगे इस चीज को कि मैंने उसको देनी है ये मेरी फंक्शनैलिटी के लिए देनी है, यहाँ पे मेरी लिमिटेशन है. अगर लिमिटेशन है मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूंगा फिलहाल. ठीक है, नेक्स्ट चीज सोचूंगा कि इस चीज को मैंने अब मल्टीपल टेबल्स को ऐड करने की फंक्शनैलिटी देनी है कि वो ऊपर पैराग्राफ ऐड करे, नीचे टेबल ऐड करे, फिर टेबल ऐड करे. अब वही वाली फंक्शनैलिटी है जो एक दफा उसने टेबल ऐड किया वही उसने दोबारा भी, सिर्फ क्या उसकी आईडी चेंज. ठीक है, उसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वहां पे होगी और वहां पे एक बटन ऐड और आ जाएगा जिसमें वो प्लस प्लस करता रहेगा टेबल या माइनस माइनस करता रहेगा. ठीक है, ऐसे हर 15 मिनट में बदला. ठीक, इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा थॉट प्रोसेस है. हर थोड़ी देर बाद तू के टारगेट ऐसा डिफाइन कर रहे हैं जो यू रीचेबल है, जो मोड एड्रेस के अगर पूरा बता देंगे और पूरा सोच लेंगे. यानी मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको फिर दोबारा टाइप करूँ क्या इससे. मैं जैसे थोड़ा सा सोचूंगा मोड एड्रेस है कितना, यानी इसके अंदर मैंने फंसना नहीं करा. एक टिपिकल टेबल मैंने फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर दी, तो मैं ये जो मैंने बात बोली कि मैंने पहले शुरू करने से पहले मैं सोचूँ कि शुरू में फिर जब मैं कोडिंग पे जाना है और 15 मिनट पहले डिफाइन करेंगे वो आपको ही डिफाइन कर दो आप, मगर उससे पहले मैंने कोडिंग नहीं करनी, उससे पहले सिर्फ प्लानिंग कर पहले फंक्शनैलिटी सोच रहा हूँ. बल्कि ये एक्चुअली इंसिडेंटली मैंने ये हमारी कंपनी में हमने ये टास्क दिया था और महीनों गुजर गए और कभी क्यूए में जा रहा है, कभी वापस आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये फिक्स करते हैं वो खराब हो जाता है, वो फिक्स करते हैं ये खराब हो जाता है. और तो मैंने ईद के दिन बैठ के लिखा, ईद की छुट्टी मैंने कहा यार ये इस तरह ना आवाज़ आ रही है तो आज नर्वस का दिन है, तो मुझे आज मौज कर तो इसका मेक अ सेक्शन टू सपोर्ट टेक्स्ट पैरा एनालिसिस टेबल स्टैंडर्ड एडिटिंग फीचर ऑफ टेक्स्ट टेबल्स आर. डिटेल में मैंने सोचा कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या कहाँ कहाँ आएंगे, जहाँ जो मुझे ऑब्वियस नहीं है, जहाँ मुझे चैलेंज है. तो मैंने कहा सबसे पहले री ब्राउजर रीसाइजिंग, स्क्रीन रेजोल्यूशन रीसाइजिंग की प्रॉब्लम. शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, ठगा ठग ठगा ठग जाएगा, मगर मैं जहाँ बॉटल लैक्स है मैं पहले उन्हें आइडेंटिफाई करूँ और देखूँ मैं उनका सोल्यूशन. तो मैंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया ब्राउजर रीसाइजिंग शुड नॉट डिस्टर्ब, मिक्सचर ऑफ ब्राउजर एंड कंटेनर रीसाइजिंग शुड नॉट डिस्टर्ब, मल्टी रेजोल्यूशन सपोर्ट होनी चाहिए. जिस कंटेनर में डाल रहा हूँ उसका कंटेनर को रीसाइज होता है उसकी सपोर्ट होनी चाहिए. उसके बाद मैं एडिट टेबल वगैरह मैं कहूँगा ये वो जगह है जो हर बंदा जा सकता है, जो सीधा टेबल डाल रहे हैं, जो सीधा सीधा चेंज कर रहे हैं, जो आपने शुरू किया वो तकरीबन 80% बंदे सीख करता. तो अगर आपने वो कॉलम रीसाइजिंग कैसे करो नहीं उसे क्लरिफिकेशन, तो मैं सबसे पहले वो उनकी मिनी एग्जाम्पल बना लूँगा कि ये वो मेरे प्रॉब्लम है जो मुझे आगे जा रहे हैं. ये हर एक पहले तो लिखूंगा
उसके बाद कहूँगा इनमें सबसे टफ प्रॉब्लम कौन सा जिधर जाती है, जहाँ मुझे स्ट्रेस में है ही। बाद में मैं बॉस को बताता हूँ कि ये तो हो नहीं सकता, ये देखिए इतना कुछ कर दिया। उसने मुझे दिया, मैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद उसको जो कि ये पॉसिबल नहीं, मुझे इसके कहूँगे सब कुछ हो गया, अब ये नहीं हो सकता, अब कुछ और सोचो, या वो बुनियाद ही गलत रहती है। तो बॉटल लाइक सबसे पहले सोचो उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि अच्छा यही रिसाइजिंग ब्राउजर रिसाइजिंग तो उसमें कैसे प्रॉब्लम होगा, और कॉलम रिसाइजिंग कैसे करूँगा, मर्जिंग का थोड़ा सा सोचा और ये डिसाइड कर लिया कि कम्प्लेक्सिटी किसी लेवल तक मुझे लाइन लगानी है तो मैं कॉलम मर्जिंग दूंगा जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है एक तरह से, और अगर रो मर्जिंग तो ज़्यादा नहीं, ताकि अगर मैं कुछ लिमिटेड टाइम में कुछ डिलीवर भी कर सकूँ तो इतना ही तो। तो बारह फिर यानी फिर मगर यह कि मैंने कहा कि लिख लूँगा, यानी बाकी चीज़ें लिखें कि आप अपने भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि किसी को कोई और पता करेगा तो उसे इस तरीके से लिखना चाहिए। सेल बजी भी दूंगा, सेल स्प्रेड भी दूंगा, सेल रोड दूंगा, टेबल लेवल फॉर्मेटिंग दूंगा, फलाना फलाना दूंगा, और फिर इसको डिवाइड कर दिया। एक बार हो जाएगा फिर मैं अच्छा अब वो अपने कुछ लिख लिया, अब वो चार मेजर प्रॉब्लम में कर सकता, जब एड्रेस हो जाएगी तो अब मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट शुरू, इसका मतलब आप मुझे कोई जरूरत नहीं। वो भी लिखते थे सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।